गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ द प्रोटॉन। पिछले जब अपना लेक्चर देखा था तो पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया था, हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन जो था उसके हमने नेमिंग की बात की थी, किस टाइप से हम उनकी कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला भी था कि 11th में भी पढ़ा हुआ है, तो आप एक बार उसको वापस से देख लेना। इसमें सिंपल से मैंने नेमिंग आपको बताई है। टाइप्स हमने डिस्कस किए थे हेलोएल्केन्स के, हमने टाइप्स भी डिस्कस किए थे। उसमें हमने 4 टाइप थे जो पढ़े थे, तो मोनोहेलोजिनेटेड कंपाउंड्स, डाईहेलोजिनेटेड, ट्राईहेलोजिनेटेड एंड टेट्राहेलोजिनेटेड कंपाउंड्स, ये हम सब चीज़ डिस्कस कर चुके थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं तो हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ हेलोएल्केन्स। अगर हमें हेलोएल्केन्स की डिग्री देखनी है या हमें डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड अगर हमें डिसाइड करना है तो हमें डिग्री कैसे देखेंगे, ये भी 2 मिनट की बात है, इसमें क्लियर हो जाएगा। ये भी हमने पहले पढ़ रखा है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। जैसे बेटा एल्काइल जो ग्रुप है उसमें आपने हेलोजन एटम को अटैच किया, आप इसे एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। आप बताइए हेलोजन एटम जो है इस कार्बन से अटैच्ड है, तो बेटा ये जो कार्बन है क्या है, ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है। ये जो कार्बन है ये एक तरफ इसके एल्काइल ग्रुप आ रहा है, इसका मतलब इस कार्बन की डिग्री क्या हो गई 1, और 1 डिग्री कार्बन पे जो हेलोजन एटम अटैच होगा बेटा आप उसे क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। आप हैलाइड की डिग्री, इट इज अ 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। फिर देखिए बेटा आर सी एच और फिर यहाँ पे एक्स लगा दिया। अब मुझे बताया बेटा ये हेलोजन एटम इस सी एच से अटैच है ना, क्या ये सी एच 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ, तो उसका मतलब इस कार्बन की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी 2 हो गया, ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। तो बेटा आप इसे क्या बोलेंगे 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, फिर बेटा मैंने इस एक हाइड्रोजन को भी हटा दिया और इसकी तरफ भी हमने एल्काइल ग्रुप लगा दिया, अब ये बन गया। तो क्या ये कार्बन के साथ 3 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसे 3 डिग्री बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो इस तरीके से आप डिग्री देखते, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीएससी नहीं है। ठीक है, ये मैं इसलिए बोलूँ, जैसे हम बाद में वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे तो वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको बोलेंगे कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद दी एचएक्स, जो भी कुछ आएगा कि ये इससे रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो उस कंडीशन में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन से हैलाइड से हम 1 डिग्री देखेंगे। एक हमको जनरल फॉर्मूले में, जनरल फॉर्मेट में लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ डिग्री ऑफ हैलाइड। अब बेटा अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी हेलोएरीन्स की। हेलोएरीन्स बेटा हेलोएरीन्स को ही हम एराइल हैलाइड भी बोलते हैं, कॉमन नेम है ये एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड का मतलब है ए आर और यहाँ पे लगा दिया हेलोजन, मतलब क्या है कि जो बेंजीन है C6H6 ऑल्टरनेट कार्बन ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स और ईच कार्बन कंटेन 1 हाइड्रोजन एटम, जब आपने एक हाइड्रोजन हटा के एक हेलोजन लगा दिया, इट इज़ अ एराइल हैलाइड, इसे ही बोलते हैं हम हेलोएरीन। ठीक है, अब ये X क्या है, ये X है बेटा F, C, L, P, R एंड I, ये हेलोजन आप ले सकते हैं। मैंने X = F, अगर X की जगह हमने F लिख दिया तो आप इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको आप बोलेंगे फ्लोरोबेंजीन, ये फ्लोरोबेंजीन हो गया। ऐसे बेटा आपने यहाँ पे Cl लगा दिया तो आप इससे क्या बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, क्या बोलेंगे बेटा क्लोरोबेंजीन। ऐसे Br लगा दो तो बेटा Br लगाओगे तो आप क्या बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन। I लगाओगे तो आप इसे बोलेंगे आइडोबेंजीन, कॉमन आईयूपीएसी सेम ही है। ठीक है, इनमें कॉमन और आईयूपीएसी सेम ही है। अब इसमें देखो आपने 2 Cl लगा दिए, तो एक कार्बन में 2 Cl लगा सकते हो क्या, नहीं ना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है। तो आपने एक Cl एक एड हटा के Cl लगाया, इसको आप बोलते क्लोरोबेंजीन, आपने यहाँ से H हटा दिया, इट इज़ अ ऑर्थो पोजिशन 60 डिग्री पे जो बनती है। ठीक है, ऐसे ही आपने एक Cl 3rd पोजीशन पे लगा दिया, इट इज़ अ मेटा 120 डिग्री पे जो फॉर्म होती है, और ऐसे ही आपने एक Cl लगा दिया पैरा पोजीशन पे 180 डिग्री पे जो फॉर्म होती है। 1-2 पोजीशन इज ऑर्थो, 1-3 पोजीशन इज मेटा और 1-4 पोजीशन इज पैरा। तो आईयूपीएसी में अगर आप कॉमन नेमिंग में अगर आप बात करेंगे तो आप क्या बोलेंगे ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। इसको बोलेंगे मेटा पोजीशन है तो ये हो जाएगी मेटा डाईक्लोरोबेंजीन, और बेटा ये लास्ट इसे बोलेंगे आप पैरा डाईक्लोरोबेंजीन। क्लियर, एनी डाउट? आइए कॉमन नेम है बेटा आईयूपीएसी, सिंपल बिल्कुल नेमिंग करनी है, आईयूपीएसी नेमिंग करनी है आपको, तो नंबरिंग कर दो 1 पे और 2 पे हेलोजन है तो बेटा क्या बोलेंगे 1, 2 डाईक्लोरोबेंजीन। इसे क्या बोलेंगे बेटा 1,3 1,3 डाई क्लोरोबेंजीन और इसको क्या बोलेंगे बेटा 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन। अगर आपको नीचे दिख भी नहीं रहा हो तो फिर भी देख लें 1, 2, 1, 3 and 1, 4 1, 2 इज ऑर्थो, 1, 3 इज मेटा एंड 1, 4 इज पैरा। तो ये हमने हेलोएरीन्स की नेम डिस्कस कर ली। एक और आपको मैं बता दूं, आगे जब हम पढ़ेंगे तो BSc भी आएगा कुछ, उसका भी एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आपने बेंजीन ली और बेंजीन के सारे H आपने हटा दिए और सारे H हटा के आप Cl लगा दो इस तरीके से, ये क्या इसका नेम होगा हेक्सा क्लोरोबेंजीन। ये आपके लिए हेक्सा क्लोरोबेंजीन, इसे आप बोलते हैं हेक्सा क्लोरोबेंजीन। और बेटा अगर आपने इस तरीके से बनाया, आपने डबल बॉन्ड, हर डबल बॉन्ड पे 2 Cl लगा दिए, हर डबल बॉन्ड पे 2 Cl लगा दिए, हाइड्रोजन रिमूव नहीं किया, अभी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट है। देखो तो आपको ये फार्मूला क्या दिख रहा है, आपको ये फार्मूला दिख रहा होगा C तो 6 आ रहा है, H 6 आ रहा है और Cl भी क्या आ रहा है 6। इसका जो नेम है इसको हम हेक्सा क्लोरोबेंजीन नहीं बोलेंगे, इसका क्या नेम है बताओ, इसका नेम है, इसका कॉमन अगर हम नेम बात करें तो कॉमन नेम इसको हम बोलते हैं BSc। BSc का मतलब है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। आप सोच रहे हैं कि बेंजीन नहीं है, फिर इसको बेंजीन क्यों बोला बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में देखें आप C6H6 को उन्होंने बेंजीन और हेक्सा क्लोराइड, तो ध्यान रखना कहीं इसको बेंजीन हेक्सा क्लोराइड मत बता देना, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड ये है, डबल बॉन्ड नहीं है। अगर इसका आपको IUPAC नेम करना हो तो क्या करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 1, 2, 3, 5, 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ये इसका IUPAC नेम है। बट BSc के फुल फॉर्म की मैं बात करूँ तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, इसे ही इंडस्ट्रियल में हमने 666 भी बोला है, 666 मतलब 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 Cl। और इसी 666 को बेटा आप लिंडेन नेम भी देते हैं और इसे ही हम गामा हेक्सेन भी बोलते हैं, ये इसका नाम। ठीक है, तो BSc और हेक्सा क्लोरोबेंजीन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। देखो जब बेंजीन पे 1 Cl था, क्लोरो 2 आया, डाई क्लोरो 3, ट्राई टेट्रा पेंटा एंड हेक्सा। और इसमें अगर डबल बॉन्ड पे आपने 2 Cl एटम अटैच कर दिए, हर डबल बॉन्ड पे 1 Cl आप लगाओगे तो फार्मूला जो होगा वो C6H6Cl6 होगा। नेम अगर आप देखेंगे तो कॉमन नेम BSc है, नाम में बेंजीन है पर स्ट्रक्चर बेंजीन नहीं है, इसको मॉलिक्यूलर फार्मूले से हमने BSc में बेंजीन हेक्सा क्लोराइड यूज किया। क्लियर, 666 बोलते हैं, गामा हेक्सेन बोलते हैं, लिंडेन बोलते हैं इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये नेमिंग थी जो हमने डिस्कस कर ली, कंप्लीट नेमिंग हो गई। ऐसे तो नेमिंग बहुत सारी है, फिर भी जो हमें पढ़ना था हेलो एल्केन डेरिवेटिव्स में वो हमने देख लिया कि क्या क्या हमको आगे डिस्कस करना है रिएक्शन से। फिर बेटा अगर आपको कभी भी, जैसे कि कितने कार्बन लगाना, 3। अब मैंने इसका हाइड्रोजन हटा दिया, यहाँ पे 3 F लगा दिया, यहाँ पे 2 F लगा दिया, यहाँ पे 3 लगा दिया। ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं पर हेलोजन, इन्हें बोलते हैं पर हेलोजन। फुल्ली हेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, फुल्ली हेलोजिनेटेड, सारे कार्बन के H हटा के सबने F लगा दिया। तो वैसे तो आप क्या बोलेंगे ऑक्टाफ्लोरो, 3 और 3 6 और 2 8 ऑक्टाफ्लोरोप्रोपेन, और इसे ही आप बोल सकते हैं पर क्लोरोप्रोपेन। पर कब लगेगा, व्हेन ऑल हाइड्रोजनस एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय हेलोजन, उसमें पर लगा दिया। जैसे अब मैंने बोला कि मुझे पर क्लोरोब्यूटेन बनाना है तो आप 4 कार्बन ले लो और सब में Cl लगा दो, पर क्लोरोब्यूटेन जाएगा। और अगर और भी क्या पढ़ सकते हो तो आप इसको ऑक्टाफ्लोरो प्रोपेन भी पढ़ सकते हैं। तो आपको पता है कि पर कब लगाना है, फुली हेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फुली हेलोजिनेटेड है, सारे हाइड्रोजन्स जो हैं वो रिप्लेस कर दिए हमने हेलोजन से। ठीक है, आगे अब हम जो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम इनके रिएक्शंस की बात करेंगे, थोड़ा ध्यान दें। देखो रिएक्शंस ऑर्गेनिक में कभी भी आपको रटनी नहीं होती है, आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे प्रीवियस क्लास में जब हमने हाइड्रोकार्बन डिस्कस किया था, उस टाइम मैंने उससे पहले आपको GOC 2 पढ़ाया था, जिसमें रिएक्शन मैकेनिज्म बोला था। उसमें हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, सारे इफेक्ट्स हमने, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो भी इफेक्ट्स हैं वो सारे हमने डिस्कस किए थे। और उस टाइम मैंने आपको कहा था कि ये सारे के सारे इफेक्ट्स आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आगे रिएक्शंस जब हम अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो हमको ये बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। हमने इंटरमीडिएट्स भी पढ़े थे। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बेटा वो करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। हेलोएल्केन की प्रिपरेशन की मैं बात कर रहा हूं। देखो किस किस से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट फ्रॉम एल्केन। हम इसके प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं किससे? एल्केन से। फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन में सबसे पहले बात करेंगे हमें एल्केन में रिएक्शन किससे करवानी है, मतलब करना क्या है एल्केन का। हमें हेलोजिनेशन करना है। क्या करना है बेटा? हेलोजिनेशन। क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि एल्केन का एच हटा के हेलोजन लगाना है, तो हेलोजिनेशन का मतलब है हेलोजन को ऐड करना हमें। तो एल्केन का हेलोजिनेशन कर रहे हैं। अब हेलोजिनेशन मतलब H2 यानी F2 भी होगा, Cl2 भी होगा, Br2 भी होगा और I2। यानी हमें फ्लोरीनेशन भी करना है, क्लोरीनेशन भी करना है, ब्रोमिनेशन भी करना है और आयोडीनेशन। देखो हम यहाँ पे बेटा रिएक्टिविटी की बात करते हैं एक बार हेलोजन की। रिएक्टिविटी ऑफ X2। देखो रिएक्टिविटी ऑफ X2 से क्या मतलब है कि कौन पहले रिएक्ट करेगा। जब आप एल्केन लोगे, एल्केन को कंटेनर में रखा, उसमें फ्लोरीन डाला, क्लोरीन डाला, ब्रोमीन डाला, तो मुझे चेक करना कि कहाँ पर रिएक्शन फास्ट होगी, कौन से हेलोजन फटाफट से रिएक्ट कर जाएंगे। तो बेटा फ्लोरीनेशन की रिएक्टिविटी क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन से ज़्यादा होगी। फ्लोरीनेशन जनरली हम फ्लोरीनेशन करवाते ही नहीं है, बिकॉज फ्लोरीनेशन जो है वो हाईली एक्सप्लोसिव अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसके दो रीज़न, एक तो पार्शली तो ये किसकी वजह से रिएक्टिविटी बढ़ा रहा है कि इसके बॉन्ड एनर्जी कम है, एक तो ये रीज़न है। ये इतना इफेक्टिव है क्योंकि ये आपको पता है लॉन पे रिपल्शन होता है, बॉन्ड वीक हो जाता है, इजीली टूट जाता है। ये एक्सेप्शन भी था, जब बॉन्ड एनर्जी आपने केमिकल बॉन्डिंग में पड़ी होगी तो बताई थी। एक तो पार्शियली इसका रीज़न है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ द F2 इज़ वेरी लो ड्यू टू लॉन पेयर रिपल्शन, इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा हो रहा है। एक जो रीज़न है कि जब हम इसके मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो यहाँ पे R डॉट फॉर्म होगा और एक F डॉट बनेगा। R डॉट किससे बन रहा है? एल्केन जो लिया उसका फ्री रेडिकल है ये R डॉट, और ये F डॉट जब जनरेट होगा तो RF जो फॉर्म होगा ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी, टेल डैश बहुत नेगेटिव है, यानी कि ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट बहुत ज़्यादा रिएक्शन में रिलीज होगी, तो रिएक्शन को कंट्रोल करना हमको मुश्किल हो जाएगा। इट इज़ अ वेरी एक्सप्लोसिव एंड अनकंट्रोल्ड, रैपिडली बहुत तेज़ी से रिएक्शन होने लग जाती है, इसलिए फ्लोरीनेशन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन, क्योंकि इनकी बॉन्ड एनर्जी थोड़ी कम है, पर इसमें इनकी बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन क्लोरीनेशन में अगर देखेंगे तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर वैसे क्या था? Cl2 Br2 F2 ये आता था, पर बॉन्ड एनर्जी इज नॉट अ करेक्ट रीजन। मेन रीजन तो ये है कि एक्सोथर्मिक हीट का रिलीज होना कितना है। आपको पता है F डॉट, आपको रेडिकल्स के साइज मैंने सब पढ़ाए थे कि जितना छोटा रेडिकल होगा ना वो उस पर उतना ही अनपेड इलेक्ट्रॉन को बेयर नहीं करेगा, वो अनस्टेबल होगा, क्योंकि साइज जब बड़ा होगा, जैसे एक बड़ी थाली में लड्डू रख दो स्टेबल है, छोटी में गिरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे उसके। उसको वैसा ही अप्लाई करो, आप F पे डॉट आ रहा है, Cl पे डॉट आ रहा है, Br पे डॉट आ रहा है, I पे डॉट, तो F डॉट की रिएक्टिविटी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी, और F डॉट की रिएक्टिविटी जब ज़्यादा होगी तो बहुत सारी ईजी जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा, बहुत रैपिडली रिएक्शन होने लगेगी, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होने लगेगी, अनकंट्रोल्ड होने लगेगी रिएक्शन। दैट्स वाई फ्लोरीनेशन डज नॉट अकर, इसलिए हम फ्लोरीनेशन नहीं करवाते। क्लियर है? तो आपको मैंने पहले तो बता दिया फ्लोरीनेशन के बारे में कि फ्लोरीनेशन इज हाईली एक्सोथर्मिक एक्सप्लोसिव एंड रैपिड रिएक्शन, इट इज़ अ अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम क्लोरीनेशन की। ठीक है, सेकंड फ्लोरीनेशन मैंने बता ही दिया। अब जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं बेटा? क्लोरीनेशन की। ध्यान दें क्लोरीनेशन किसका करना है? एल्केन, स्मॉलेस्ट एल्केन, एक कार्बन गया होगा। इसमें आपने Cl2 एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ दी सनलाइट। ये जो रिएक्शन होगी ना बेटा वो किसकी प्रेजेंस में होगी? सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, सनलाइट या परऑक्साइड भी आप यूज़ में ले सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था रेडिकल फॉर्मेशन सनलाइट की प्रेजेंस में होता है ना। रेडिकल फॉर्मेशन सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है, या हाई टेम्परेचर जब आप देंगे तब रेडिकल फॉर्म होता है। क्लियर? तो बेटा यहाँ पर क्या होगा देखिए, ये CH4 है ना, इसका एक H और ये HCl के फॉर्म में रिमूव हो गए एंड प्रोडक्ट विल बी CH3Cl एंड HCl। ये बाहर आएगा। इट इज़ अ मिथाइल क्लोराइड और दी क्लोरोमिथेन। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड और दी क्लोरोमिथेन भी बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, HCl रिमूव हो गया। कैसे रिएक्शन हुई होगी देखो, अगर हमको, वैसे तो मैं ये आपको हाइड्रोकार्बन में पहले पढ़ा लिया, पूरा डिस्कस किया था हमने कि कैसे हेलोजिनेशन होता है एल्केन का, इसके मैकेनिज्म भी पढ़े थे, फिर भी मैं आपको सारा मैकेनिज्म डिस्कस कर लूँगी। तो बेटा यहाँ पे देखो CH3 अगर हम ऐसे नॉर्मली देखना चाहें तो देखो यहाँ पे एक्चुअली में हुआ गया है कि ये और ये इनके बीच में होमोलाइसिस हो गया, तो एक डॉट इसके ऊपर आ गया, एक डॉट इसके ऊपर आ गया, यहाँ भी होमोलाइसिस हो गया, तो एक डॉट Cl पे आ गया, एक डॉट Cl पे, H डॉट Cl डॉट से कंबाइन करके HCl फॉर्म कर रहा है, और यह Cl डॉट इस C डॉट से कंबाइन कर रहा है CH3Cl। अगर आप यहाँ पे क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, मान लो एक बार लिया, अगर प्री लॉन्ग टाइम आप इसको क्या कर रहे हो, क्लोरीन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते जा रहे हो मीथेन को, तो ऑल हाइड्रोजन आर द सब्स्टिट्यूटेड विद द हेल्प ऑफ द Cl डॉट। Cl डॉट की हेल्प से सारे हाइड्रोजन एट डॉट हैं वो क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। एक बार आप देखें मैंने क्या बोला कि इसमें H डॉट हटा और Cl डॉट लगा। क्या ये रिएक्शन अगर मुझे आइडेंटिफाई करनी हो, सिर्फ मेरे को तो आप तीन, हमने अगर हम मेजरली अगर बात करें तो मोटे तौर पे तीन हम ज़्यादा बात करते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, एक हम एडिशन की बात कर लेते हैं और एक हम एलिमिनेशन की बात कर लेते हैं। अगर बेटा आपको आइडेंटिफाई करनी हो तो आप इजीली, अब क्या देखेंगे कि हमने CH4 लिया और Cl2 डाला, हमें प्रोडक्ट मिला CH3Cl और HCl। तो क्या देख रहे हैं आप, यही तो देख रहे हैं कि H हटा उसकी जगह Cl जोड़ा, यानी कुछ हट के उसकी जगह कुछ लग गया, मतलब सब्स्टिट्यूशन है कि एडिशन, कुछ हटा भी है और कुछ लगा भी है, इसका मतलब इट इज़ अ सब्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन में भी कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा, क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, कि यह फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। भई आने वाला कौन है, हटाने वाला कौन है, आने वाला कौन है, Cl डॉट आ रहा है, Cl डॉट ने भगाया H डॉट को, इसका मतलब Cl डॉट जो रिप्लेसमेंट रिएक्शन हुई है उसमें Cl डॉट यानी कि फ्री रेडिकल ने फ्री रेडिकल को क्या कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है। सो इट इज़ द टाइप ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हो गया, हेलोजिनेशन ऑफ द एल्केन इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है, देखिए बेटा अगर मैंने बोला कि इफ कंसेंट्रेशन ऑफ Cl2 इज टेकन इन एक्सेस अमाउंट, अगर हम Cl2 को एक्सेस अमाउंट में ले लें तो फिर बेटा CH4 प्लस Cl2 सनलाइट CH3Cl प्लस HCl, फिर Cl2 रिएक्ट करवाओगे आप, क्या ऑब्जर्व करोगे एक H और Cl बाहर आएगा, CH2Cl2 भैया यहाँ से एक H हट जाएगा, फ्री रेडिकल H डॉट बनेगा, Cl डॉट से कंबाइन होगा, HCl बाहर आ गया, फिर वापस से Cl2 डालोगे सनलाइट के प्रेजेंस के तो ये बनेगा CH3HCl, और फिर बेटा आपने वापस से क्लोरीन सनलाइट के प्रेजेंस में तो ये एक रिमेनिंग H है, ये भी रिमूव हो गया और CCl4HCl, इट इज़ अ कार्बन टेट्राहेड्रल। तो बेटा क्या इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, मिक्सचर बन रहा है प्रोडक्ट का, और जब मिक्सचर फॉर्म होगा प्रोडक्ट का तो किसी एक को सेपरेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जनरली दिस रिएक्शन डज नॉट कैरी आउट इन लेबोरेटरी, हम लैब में कैरी नहीं करते इस रिएक्शन को, क्यों नहीं करते, बिकॉज इससे बहुत सारा प्रोडक्ट का मिक्सचर बन रहा है, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा तो किसी एक को रिएक्टेंट को सेपरेट करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लेबोरेटरी मेथड में हम इस रिएक्शन को यूज में नहीं लेते हैं बिकॉज देर आर वेरियस प्रोडक्ट्स आर फाउंड। ठीक है, बहुत सारे किस टाइप की रिएक्शन आई है, मैंने बोला इट इज अ टाइप ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चाहो तो हम इसकी मैकेनिज्म भी डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे इसकी मैकेनिज्म हमने 11वीं में पढ़ ली थी, फिर भी अगर आप बोलेंगे तो हम इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। देखो बेटा सबसे पहले आपने रिएक्शन क्या ली थी पहले बताओ, CH4 प्लस Cl2 और सनलाइट, ये रिएक्शन थी हमारी, हमें ये देखना है प्रोडक्ट कैसे बना होगा। क्लियर, मैकेनिज्म में सबसे पहले स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तीन स्टेप्स में कंप्लीट होती है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। तो देखे बेटा देखो मैकेनिज्म से हमें कंक्लूजन निकालने आने चाहिए, फिर चाहे से कोई भी रिएक्टेंट दे आपको, आप उस रिएक्शन का प्रोडक्ट इजीली फॉर्म कर सकते हो। मैकेनिज्म का ये मतलब नहीं है कि हमको रटनी है, नहीं, आपको देखना है कि इसका कंक्लूजन क्या निकल गया है, बिल्कुल आप इसको ध्यान से देखें एक बार। देखो सबसे पहले Cl सनलाइट की प्रेजेंस में इस तरीके से होमोलाइटिक फ्यूजन करेगा, और होमोलाइटिक फ्यूजन करेगा तो Cl पे भी डॉट आएगा और ये Cl डॉट फॉर्म हो गया, डॉट का मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल फॉर्म, सॉरी रेडिकल जनरेट हो गया। ठीक है, ये बेटा CH3 और ये H और ये Cl डॉट, यानी अब एल्केन ले लिया आपने। इस एल्केन में C और H का ईएन एप्रोक्स सेम होता है, तो यहाँ से क्या फॉर्म हो गया, H डॉट फॉर्म हो गया। अब ये H डॉट किससे कंबाइन हो गया, Cl से, और इस CH3 पे डॉट आ गया। ठीक है, CH3 पे क्या आ गया बेटा, डॉट आ गया और HCl बाहर आ गया, यानी कि फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। ध्यान दे, इट इज़ अ स्लो एंड आरडीएस, ये रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ। आपको पता है ना, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मल्टी स्टेप्स। जब कोई रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स में होती है तो उसमें एक स्टेप्स होता है, जो एक स्टेप होता है वो स्लो होता है, वो ही उस रिएक्शन की रेट डिसाइड करेगा कि रिएक्शन की रेट क्या होगी, रिएक्शन कितनी फास्ट जाएगी, कितनी धीरे जाएगी, कौन सा रिएक्टेंट अच्छा रहेगा उस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाने के अंदर। तो देखें इसके अंदर Cl डॉट किससे कंबाइन कर रहा है, सॉरी Cl डॉट किससे कंबाइन कर रहा है, H डॉट से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। Cl डॉट किससे कंबाइन कर रहा है, H डॉट से, क्या बन जाएगा, HCl बाहर आ गया। अब देखें ये जो CH3 डॉट है ये किससे वापस से Cl2 होमोलाइसिस होगा, यहाँ से होमोलिटिक फ्यूजन हो गया। ये Cl डॉट किससे जुड़ेगा, CH3 से, तो क्या बनेगा CH3 Cl और Cl डॉट बन गया मोनो हैलोजेनेटेड। मैंने बोला कंसंट्रेशन ज़्यादा लेनी है, तो अब देखो प्रोपोगेशन स्टेप अगर आप पढ़ाना चाहते हो, ये CH3 Cl है, ये वापस से Cl डॉट से रिएक्ट कर जाएगा, डॉट आते रिएक्ट कर जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, एक H डॉट बाहर आएगा, H डॉट Cl से जुड़ेगा, तो क्या बनेगा बताओ, CH2 Cl पे डॉट और ये HCl बाहर आएगा। अब ये जो CH2 डॉट है ये किससे कंबाइन करेगा, ये वापस से Cl2 से कंबाइन करेगा, फिर यहाँ पे होमोलाइसिस होगा, फिर क्या बनेगा CH2 Cl2 और Cl डॉट, फिर Cl डॉट H डॉट को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो ये फिर Cl डॉट आएगा, यहाँ से वापस से क्या हो जाएगा, एक H डॉट सब्स्टिट्यूट हो गया, H डॉट क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो गया, HCl बन गया CH Cl2 और ये बन गया अपना HCl। अब वही C, अब C पे डॉट है, अब C डॉट किससे कंबाइन करता है, Cl2 से, फिर वापस से होमोलाइसिस हो गया, ये Cl डॉट जुड़ गया, ये बन गया CH2 Cl2 और HCl, सॉरी CH2 Cl और Cl डॉट। अब बेटा ये डाई हेलोजिनेटेड बन गया, इसके बाद में वापस से CH2 Cl2, जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाएंगे, वापस से ये Cl डॉट से कंबाइन करेगा, तो यहाँ से वापस से क्या होगा, एक H डॉट भरेगा, फिर क्या बनेगा बताओ, CH Cl2 डॉट और Cl पे डॉट आ गया, सॉरी HCl आ गया, आगे HCl। अब इस C पे जो डॉट आया, इस C पे जो डॉट आया ये किससे कंबाइन करेगा, वापस से Cl2 से, फिर वापस से होमोलाइसिस रहेगा, ये क्या बन जाएगा C H Cl3 प्लस Cl डॉट, फिर ये Cl डॉट वापस से क्या करेगा H, देखो इधर देख लो थोड़ा सा, इधर देख लो थोड़ा सा, या फिर ऐसे करते हैं हम ऊपर थोड़ा सा डालेंगे, अगर यहाँ साइड में दिखेगा नहीं ना तो थोड़ा सा हम ऊपर से रिमूव कर लेते हैं। तो देखो अब क्या बना हमारे पास Ch Cl3 प्लस Cl डॉट, तो यहाँ से वापस से H डॉट Cl डॉट से कंबाइन कर जाएगा और CCl3 और क्या बन गया HCl। अब वापस से बताओ CCl3 डॉट वापस Cl2 से कंबाइन करेगा और ये वापस से होमोलाइसिस होगा, तो ये Cl डॉट C डॉट से कंबाइन होगा, CCl4 बन गया और ये Cl डॉट। ये हमारा चेन प्रोपोगेशन स्टेप था, ये चेन स्टार्टिंग थी, चेन इनिशियल स्टेप था, ये चेन प्रोपोगेट कर रही है, इसमें सारे हाइड्रोजन आइटम्स हमने रिप्लेस कर दिए किससे Cl। अब आप सोचोगे इतनी मैकेनिज्म बहुत ही लेंथी क्या है, इसमें क्या हो रहा है, तो बेटा कंक्लूजन देखो, इसमें क्या हो रहा है कि Cl डॉट जुड़ रहा है किससे C डॉट से, Cl डॉट जुड़ रहा है C डॉट से और Cl डॉट फ्री हो गया, यानी कि हर बार क्या हो रहा है, एक H डॉट को Cl डॉट रिप्लेस कर रहा है, यानी H डॉट Cl डॉट कंबाइन कर रहा है HCl और C पे डॉट आ रहा है। हर बार आप देखेंगे यही हो रहा है, C पे डॉट आ रहा है तो Cl2 से कंबाइन करेगा और Cl2 से कंबाइन करने के बाद में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी हर बार आपको क्या देखना है कि एक H डॉट हटेगा, एक Cl डॉट जुड़ेगा, एक H डॉट हटेगा। कहीं इस रिएक्शन में आपको ये दिख रहा है कि H डॉट एग्जिस्ट कर रहा हो, H डॉट मैंने कहीं बनाया गया नहीं, Cl डॉट बना C पे डॉट बना, यानी Cl पे डॉट C पे डॉट C, ये ऑल्टरनेट चल रहा है, यानी कि H डॉट हटेगा Cl डॉट जुड़ेगा, H डॉट हटेगा Cl डॉट जुड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो Cl2 फ्यूजन हो गया, Cl पे डॉट आएगा तो C डॉट से जुड़ेगा और Cl डॉट फ्री हो गया, फिर ये Cl डॉट आएगा, फिर H डॉट को रिप्लेस करेगा HCl। तो आपको ये देख रहे होंगे कि H डॉट क्यों नहीं फॉर्म हुआ, देखो H डॉट का साइज बहुत छोटा है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, स्मॉल साइज का जो रेडिकल है वो कम स्टेबल होता है, रिएक्ट कर जाता है ना फास्टली। ऐसा तो हम यहाँ पे भी सोच सकते थे कि ये H डॉट हटता और यहाँ पे Cl डॉट जुड़ जाता, बट ये तो नहीं हुआ ना, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि H डॉट की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ये पहले ज़्यादा रिएक्ट कर जाएगा HCl डॉट से, ठीक है HCl बाहर निकल गया। आगे बस ये तो था चेन प्रोपोगेशन। अब चेन टर्मिनेशन क्या होता है? चेन टर्मिनेशन स्टेप जिसको अपन स्टेप थर्ड कहते हैं, इसमें रिएक्शन क्या होती है? स्टॉप होने लगेगी। अब स्टॉप कैसे होगी? इस रिएक्शन में मान लो कुछ भी रेडिकल्स जो बचे, वो आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे Cl डॉट से जुड़ कर रिएक्शन को स्टॉप कर देगा, Cs3 डॉट से कंबाइन करके रिएक्शन को स्टॉप कर देगा। ऐसे ही Ch2 कोई भी डॉट ले लो आप, ये सब रिएक्शन को क्या करेंगे? स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। एंड मैनी प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट बनने के पॉसिबिलिटीज़ हैं। जरूरी नहीं है सेम हो, डिफरेंट भी हो सकता है। ऐसे मैनी प्रोडक्ट्स हम नहीं बता सकते कितने हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनने की पॉसिबिलिटीज़ है। रेडिकल टाइप की रिएक्शन है ना, इसलिए ठीक है। तो ये मैकेनिज्म थी फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन ऑफ एल्केन की फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन थी विद द हेल्प ऑफ द क्लोरीन। ओके, अब मेरी बात सुनो कि क्लोरीनेशन करने के बाद में आप इसका ब्रोमिनेशन भी कर सकते हो, आयोडीनेशन भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी तो हमने सिंपल एक एग्जांपल लिया, हमने केवल मीथेन लेके ही रिएक्शन करी है। आप सोचेंगे कि ईथेन ले, प्रोपेन ले, ब्यूटेन ले तो क्या होगा? ध्यान देना इधर देखो। अगर हम बात करें CH3, CH2, CH3, मैंने ये प्रोपेन लिया और बोला बेटा इसका क्लोरीनेशन करना है। आप क्या बोलेंगे कि कर लीजिए। कितने टाइप का हाइड्रोजन है यहाँ पे? 2 टाइप के हाइड्रोजन दिख रहा है। पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करते रिएक्टेंट में एल्केन है, क्लोरीन है, सनलाइट है, मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। H डॉट हटाना है और Cl डॉट लगाना है, पर H कौन सा हटे यहाँ पे? एक जैसा अगर हम ईथेन लेते हैं तो ईथेन में मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एक ही टाइप के, आप किसी भी H को हटा के Cl लगा दीजिए, प्रोडक्ट 100% एक ही बनने वाला है। यहाँ पे CH3 CH2 Cl, ठीक है बेटा। इसमें हमें 2 पॉसिबिलिटीज दिख रही है। क्या क्या? कि ये जो 6 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3 इधर वाले और 3 इधर वाले, इनका नेचर एक जैसा, ये एक जैसा नेचर के, और ये बीच वाले हाइड्रोजन इसके नेचर डिफरेंट है। अगर आप यहाँ से H हटा के Cl लगाएंगे तो क्या प्रोडक्ट ये बनेगा? यही बनेगा। और बेटा अगर आप बीच वाले कार्बन का H डॉट हटा के Cl डॉट अटैच करेंगे तो क्या प्रोडक्ट ये बनेगा? यानी एक तो बन रहा है 1 क्लोरोप्रोपेन और एक बन रहा है 2 क्लोरोप्रोपेन। मेजर माइनर डिसाइड करना हमें, इसमें से कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा। तो मेजर माइनर कैसे डिसाइड, हमें देखना पड़ेगा कि Cl की रिएक्टिविटी क्या होती है। तो देखो एक टेबल मैं बना रहा हूँ आपके सामने, जिसमें हम रिएक्टिविटी देखेंगे हाइड्रोजन की, कि कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है। भाई जो हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होगा ना वो इजीली रिप्लेस हो जाएगा, और ज़्यादा इजीली रिप्लेस होगा तो वो वाला प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर बनेगा। जैसे मान लो इसके हमने 100 मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं, उस 100 मॉलिक्यूल्स में से मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स किस फॉर्म में जाएंगे? जिनमें उनको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल रही होगी, मतलब वो हाइड्रोजन हटाए गए जिससे उनका स्टेबल रेडिकल जनरेट होगा। तो ये डिपेंड करेगा कि 2 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है कि 3 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो इनके रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है? तो देखो इधर 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री हाइड्रोजन की हम रिएक्टिविटी देख रहे हैं। और ये हम बात कर रहे हैं हेलोजिनेशन, कौन से किस टाइप का हेलोजिनेशन हो रहा है। अगर आप फ्लोरीनेशन करवा रहे हैं, अगर आप क्लोरीनेशन करवा रहे हैं, अगर आप ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं, अगर फ्लोरीनेशन कर रहे हैं तो सबकी रिएक्टिविटी सेम रहती है, तभी तो मैंने बोला तो बहुत एक्सप्लोसिव है, हर कोई फटाफट रिएक्ट कर रहा है इसमें। अगर हम क्लोरीनेशन की बात करें तो क्लोरीनेशन में 3 डिग्री हाइड्रोजन की 3 डिग्री हाइड्रोजन है, उसकी रिएक्टिविटी 5, 2 डिग्री हाइड्रोजन की 3.8 और 1 डिग्री हाइड्रोजन की 1। मतलब यह है कि 5 टाइम्स ज़्यादा रिएक्टिव है, ये 3.8 टाइम्स 1 डिग्री से ज़्यादा रिएक्टिव है। और ब्रोमिनेशन की अगर हम बात करें तो ब्रोमिनेशन का जो रेशो है वो देखो, यानी ब्रोमिनेशन के अंदर तो काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है ना आपको, 1600 टाइम्स 82 और ये 1। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये रिलेटिव रिएक्टिविटी है, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन्स की रिएक्टिविटी है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन फ्लोरीनेशन में कैसे रिएक्ट करेंगे, क्लोरीनेशन में कैसे रिएक्ट करेंगे, ब्रोमिनेशन में कैसे रिएक्ट करेंगे। तो अब आप इनका रिलेटिव अमाउंट कैसे निकालेंगे कि ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा? तो देखो रिलेटिव अमाउंट हमें फाइंड करना है, तो रिलेटिव अमाउंट फाइंड करने के लिए आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिस हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करना चाहते हो, जिस टाइप के हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करना चाहते हो, उनके नंबर क्या है इनटू उसकी रिलेटिव रिएक्टिविटी कितनी है, उस हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कितनी है। क्या मतलब है? देखो इधर जैसे हमें ये देखना है कि ये प्रोडक्ट मेजर होगा कि ये प्रोडक्ट मेजर होगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है इनका नेचर एक जैसा, 6 हाइड्रोजन एक जैसी नेचर की है, और वो 6 जो हाइड्रोजन हैं वो 6 की 6 कितनी है? 1 डिग्री है। तो 6 हाइड्रोजन 1 डिग्री है और उनकी रिएक्टिविटी कितनी क्या होगी क्लोरीनेशन में? 1 डिग्री की कितनी होगी, 1 होगी, तो 6 × 1 कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, ये तो आ गया वाला, इसको हम प्रोडक्ट ए बोल देते हैं, इसको प्रोडक्ट हम बी बोल देते हैं। तो प्रोडक्ट ए के लिए क्या रिएक्टिविटी, प्रोडक्ट ए कितने की रिएक्टिविटी आ रही है, 6। इसमें प्रोडक्ट ए बनने के इतना है 6 के अकॉर्डिंग, यानी इतना अमाउंट बनना चाहिए, रिलेटिव अमाउंट निकाल रहे हम। और ऐसे प्रोडक्ट बी का रिलेटिव अमाउंट निकालेंगे हम, तो प्रोडक्ट बी का रिलेटिव अमाउंट निकालने के लिए प्रोडक्ट बी यहाँ से बन रहा है, तो यहाँ पे कितने टाइप के हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन, नंबर में 2 हैं, टाइप ए की है उनका। और ये दोनों हाइड्रोजन जो है बेटा 2 डिग्री हैं, और 2 डिग्री की कितनी रिएक्टिविटी होती है क्लोरीनेशन में, 3.8। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6, 7.6 इसकी रिएक्टिविटी आ गई। अगर आप परसेंटेज अमाउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, परसेंटेज निकालना आप सबको आता है, परसेंटेज ऑफ ए का कितना परसेंट बनेगा, तो टोटल कितना बन रहा है, 6 और 7.6 को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 13.6। और उसमें से ए का कितना है, 6 × 100, इसको सॉल्व कर लीजिए। और प्रोडक्ट बी यानी परसेंटेज ऑफ बी निकालना है, तो बी कितना है, 7.6 / 13.6 × 100। तो क्या ये मेजर आना चाहिए, ये वाला मेजर आना चाहिए, माइनर आना चाहिए, क्योंकि ये अमाउंट में कम आएगा, ये अमाउंट में ज़्यादा आएगा। तो यानी प्रोडक्ट बी जो होगा वो मेजर होगा, और प्रोडक्ट बी ए जो होगा वो माइनर होगा, सॉरी प्रोडक्ट ए माइनर होगा बेटा, प्रोडक्ट बी मेजर। इससे आपको रिलेटिव अमाउंट चेक करना होगा। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि बार बार इतना करना होगा। देखो ब्रोमिनेशन में कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 1682। एक चीज़ और छोटी सी मैं आपको बता दूँ कि जो रिएक्टिविटी है वो सेलेक्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रिएक्टिविटी जो है वो सेलेक्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वाई, देखो क्लोरीनेशन जो है वो सब, अगर हमने रिएक्टिविटी देखी थी तो फ्लोरीनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, फिर क्लोरीनेशन हो रहा था, फिर ब्रोमिनेशन हो रहा था, फिर आयोडीनेशन, यानी क्लोरीनेशन जो था ना वो ब्रोमिनेशन से ज़्यादा रिएक्टिव है। पर सेलेक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, सेलेक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, रिएक्टिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है, यानी सेलेक्टिविटी क्लोरीन की कम होगी। इसका मतलब क्या है वो समझे आप। देखो सेलेक्टिविटी क्लोरीन की कम क्यों, क्योंकि जब हम देखेंगे हम इसमें इजीली सेलेक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर बन जाएगा। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ डिफरेंस कम है, बहुत कम डिफरेंस है। तो ना क्या पता 3 डिग्री हाइड्रोजन वाला माइनर बन जाए और 2 डिग्री हाइड्रोजन वाला मेजर, क्योंकि मान लो 2 डिग्री हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा होंगे तो अमाउंट भी ज़्यादा आएगा। ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगी मैं आगे आपको, घबराओ मत, बहुत ईजी। ठीक है, तो इसकी सेलेक्टिविटी, इसमें हम रिएक्शन में प्रोडक्ट को ईजिली सेलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो रिलेटिव जो हमने रेशो निकाला है 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन का, इसमें बहुत कम है। और इसमें देखो काफी 1600 कहाँ पे वैल्यू भी यहाँ से का है, तो इनका जो रिलेटिव ऑर्डर हमने जो लिखा है रिएक्टिविटी का हाइड्रोजन का, वो काफ़ी डिफरेंस रखता है। तो उसमें आप ईजिली, यानी 3 डिग्री वाले हाइड्रोजन का आप ऑलवेज मेजर बना दो, 2 डिग्री हाइड्रोजन वाले का और उसके बाद में 1 डिग्री। पर यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सेलेक्टिविटी यानी ज़्यादा सेलेक्टिविटी, हिंदी में चयनात्मकता बोलते हैं इसको, यानी जिसकी उसकी सेलेक्टिविटी ज़्यादा है, किसकी सेलेक्टिविटी ज़्यादा है, क्लोरीनेशन की सेलेक्टिविटी ज़्यादा है, क्योंकि उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन की जो रिलेटिव रिएक्टिविटी का जो रेशो आ रहा है वो बहुत ही कम है, नियरेस्ट वैल्यू सब आपस में। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन लेके मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगी। इसी के हम अब आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो केवल इसके रिएक्शंस की बात करेंगे, इसी के रिएक्शंस के मैं आपको बताऊँगी। वैसे बेटा ये सब कुछ मैं 11वीं क्लास में हाइड्रोकार्बन चैप्टर में डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगी। और मैंने इसीलिए बोला था कि हाइड्रोकार्बन चैप्टर हमारे लिए 12th में बहुत काम आने वाला है। कल हम जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें कुछ इसी के अमाउंट और इसी के क्वेश्चंस लेके मैं आऊँगी, इसी के क्वेश्चंस हम सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे हम